बच्चे सर फोड़ के बैठे हैं। चुप हो जाओ। मुझे तो अपना कंफ्यूजिंग लग रहा था, ये अलग कंफ्यूजिंग, इधर कुछ नहीं है। Hi guys, this is Harshada. Welcome or welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? Hope you're doing really, really great. I don't know, मेरी शक्ल ऐसी क्यों दिख रही है? हाँ, मेरी शक्ल ऐसी है नहीं जैसी इस कैमरा में दिख रही है, और मेरी आवाज़ भी ऐसी नहीं है जैसी इसमें आ रही है, क्योंकि अभी गला थोड़ा थोड़ा ख़राब है। हाँ, तो मैं आज व्लॉग करने वाली हूँ डे इन माई लाइफ। अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोई मतलब मेरे को कोरियो करनी है, क्योंकि मैं जा रही हूँ, हमारे कॉलेज वाले रख रहे हैं GBC गॉट टैलेंट, तो उसका आज लास्ट डे है। मैंने पहले सोचा था जाने के लिए, बट उससे पहले मैं बीमार थी, तो आज मैं जा रही हूँ, फाइनली मैं जा रही हूँ। अभी मैं नहाऊँगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही हूँ, देन थोड़ा सा नर्वस नहीं हूँ, थोड़ा सा क्या नर्वस नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा करती हूँ। दैट्स ओवर कॉन्फिडेंस, लोग और भी अच्छे अच्छे आ सकते हैं, बट सब अपने अपने फील्ड में अच्छे होंगे ना, कोई डांस करने वाला आई डोंट थिंक सो आएगा। और वैसे भी आज लास्ट है, चलो ठीक है जो भी है। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं उसका व्लॉग कर लेती हूँ। उसके लिए मुझे लैपटॉप चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं फ़ोन से गाने बजा रही थी। और मम्मी, कल मैंने लेग्स का वर्कआउट कर लिया, और आज जो मेरे को दर्द हो रहा है ना, उसमें मैं आई मम्मी चिल्ला रही हूँ, बट बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार ये जो दर्द होता है ना वर्कआउट करने के बाद, अलग ही लेवल की खुशी होती है उस दर्द से। मुझे ये नोज़ पीसिंग इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, बहुत ही प्यारी लग रही है। आई है हमारा लैपटॉप चालू हो रहा है, चल जा। मेरा फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, कह रहा कौन है तू। हर्षदा हूँ मैं, हर्षदा, कैसे कह सकता है तू कि तू मुझे नहीं जानता? हाँ, ये कोई बात होती है? होटों में मेरे पास दो चॉइस है, एक तो मैंने पहले किसी ऑडिशन के लिए बेली सॉक की कोरियोग्राफी की थी, तो मैं वो कर सकती हूँ, एक मेरी खुद की कोरियो वो कर सकती हूँ। जो मेरी खुद की कोरियो वो हिंदी गाने पे, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि लोग म्यूज़िक तो कैसा भी सुनते हैं, BTS भी सुनते हैं, तो डांस तो डांस होता है। बट फिर मैं सोच रही हूँ कि बेली सॉक वाली मैंने, मतलब अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, देन 24 को फाइनल वाला ऑडिशन है, तो उसमें मैं सोच रही हूँ बेली सॉक वाली करूँगी, क्योंकि वो अलग लेवल की फाड़ हो रही है। मेरी वाली भी बहुत अच्छी है, बल्कि मुझे मेरी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी वाली करूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं मेरी वाली कर लेती हूँ, बेली सॉक वाली उस दिन कर लेंगे। कितना कॉन्फिडेंस है, आ उस दिन के लिए सेलेक्ट होंगी मैं। होटो में ऐसी बात मैं चली आई, तो दिस इज द सॉन्ग, कॉपीराइट आएगा यार। होटो में ऐसी बात, पीछे मेरा टॉवल इग्नोर करना। इसको मैं कैसे अच्छे से रखूं, कैसे अच्छे से आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते इस कोरियो में। बात ये है, मैंने सिर्फ कर रखी है 15 या 20 सेकंड की, एंड आगे का अब मैं खुद से बना रही हूँ,
जो म्यूजिक पे तो आ रहा है बट म्यूजिक की लाइंस पे नहीं आ रहा है। बट इंडियन सुनी है तो लाइंस किसी को समझ भी नहीं आएंगी ना, क्या ही फर्क पड़ता है। बस ठीक है, 40 सेकंड का बहुत होता है, क्या देख लेंगे, इतने में देख लेते हैं लोग, जिसको जो समझना है समझ जाएगा, अच्छा कर रही है गंदा कर रही है। सांस चढ़ गया, कैसे कैसी डांसर हो गई हूँ मैं, थोड़े से मैं सांस चढ़ जाते हैं। मैं ये जो गोरा कर रही हूँ ये ब्राइटनेस बढ़ा के कर रही हूँ, इतनी गोरी मैं हूँ नहीं, मैं ऐसी हूँ, ऐसी भी नहीं हूँ, इतनी काली भी नहीं हूँ। हाँ व्हाटएवर, मेरे बाल झाड़ू जैसे हो गए, इन्हें सुलझाने में आज पता है कितना टाइम लगने वाला है। बाथरूम में कोई है? बाथरूम में मेरी रूममेट वाली दीदी है, रूममेट वाली दीदी, वो ऑडिशन है 11 से लेके 2 बजे तक, मेरे को जल्दी जल्दी नहाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ नहा के क्या ही करूँगी, नहाती नहीं हूँ, मैंने यही स्वेट शर्ट पहन के जाना है, सबको बता रही हूँ नहा नहीं रही हूँ, पर आके तो नहाऊंगी, ऐसा नहीं सोचना, गंदी बच्ची नहीं हूँ मैं, आके नहाऊंगी, नहा के चली जाऊंगी। ठीक है, हो गई शांति। हाय ओ, मेरे साथ 2 दिन से पता है क्या हो रहा है, मैं उठती हूँ रात को, मैं जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी नींद आ जाती है, देन रात को मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही होती है, फिर मैं खा के दोबारा सोती हूँ सेकेंड टाइम, सुबह उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि सुबह इतनी तेज भूख लग रही होती है। क्या मतलब, क्या भूख क्या लग रही है, वो भूख कहाँ जा रही है, कुछ लग तो नहीं रहा है मेरे शरीर में, बेसिकली मैं अच्छे से खा नहीं रही हूँ, कितने दिन हो गए मेरे को, मैं रोटी के लिए मैं तरस रही हूँ, कोई अच्छी सी रोटी बना के दे दे मुझे, मैं गलत आटा ले आई हूँ, मैदे वाला आटा, मेरे से नॉर्मल रोटी अच्छे से नहीं बनती है, मैदे वाली में इतनी जान लगानी पड़ती है, इसका आटा ऐसे बहुत मेहनत लगती है। बस यार मेरे को कोई अच्छा अच्छा खाना बना के दे दो, आई विल पे यू अगर तुम सस्ते में दोगे तो, कॉन्टैक्ट मी। चावल से, चावल आई यूज टू लव चावल, नमकीन चावल, अब मेरा चावलों से मन भर गया है क्योंकि अच्छे नहीं बन रहे हैं मेरे से, पता नहीं क्या हो रहा है, और अब तो कल से मेरी जॉब भी स्टार्ट है, कल से तो टाइम ही नहीं मिलने वाला है, आधा पैसा तो मेरा खाने में ही चला जाता है, कैसे जीऊंगी हर्षिता, कैसे जिएगी हर्षिता, कैसे जीऊंगी हर्षिता। आज धूप हो रही है और टेम्परेचर है -1, ठीक है, तो धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, धूप बस ये दिखाने के लिए आई है, धूप होती है इधर। मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बाथरूम खाली होने का वेट कर रही हूँ, प्रैक्टिस मेरी हो गई है बस, और प्रैक्टिस नहीं करनी है मैंने, अब नहाऊंगी नहा के प्रैक्टिस करूँगी, तुम्हें मैं बता दूँगी मैं नहाई या नहीं नहाई, ठीक है, तुमसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बता दूँगी, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है नहाने का, ठीक है, मैं बकवास कर रही हूँ, मैं नहीं नहाऊँगी आज, मतलब आज नहाऊँगी पर मैं आके नहाऊँगी पक्का, अभी नहीं नहाऊँगी, मैं नहीं नहा सकती, मैं अभी लेट हो जाऊँगी। मैं ये मेरे कपड़े मेरी तरफ देख रहा है, ये ऐसा लग रहा है ना, और वो सारे पीछे, इसके पीछे छुप के मेरी तरफ देख रहे हैं, ये पागल हो गई है वो हर्षिता, तू पागल हो गई है। रूम से बाहर चलते हैं, चलिए कितनी अच्छी धूप है, अभी मैं बाहर जाके दिखाती हूँ, ये धूप धूप किसी काम की नहीं है, सब कुछ स्नो में ढका हुआ है, वाह
क्या ग्लो आ रहा है, वाओ वाओ। इसीलिए तो मैंने आईफोन लेना था, इसीलिए तो मैंने आईफोन लिया है, इसी धूप वाले ग्लो के लिए। अब मैं समझ रही हूँ कहाँ से लाते हैं लोग ये वाला ग्लो, वो आईफोन लेते हैं। अभी तो मैंने पूरा व्लॉग मैंने इसी धूप में खड़े होके करना है। वाह यार क्या आंखें लग रही है, चमक रही है एकदम। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मैं बार बार इस धूप में आ जाती हूँ व्लॉग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। कोई जब तक बाथरूम से नहीं निकलेगा तब तक मैं कैसे अंदर जाऊँगी ना, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के व्लॉग कर रही हूँ खड़े होके। तो बताओ तुम लोग कैसे हो, कैसे हो, कैसे। क्या कर रही हूँ नहीं पता, अब मैं थक गई हूँ इसलिए अब मैं सोफे पे बैठ गई हूँ। ओके डोंट माइंड मी। ये है मेरी चप्पल, मैं इतनी खुश होकर लाई थी। वाह क्या अच्छी दिख रही है, कहाँ से अच्छी दिख रही है अर्षिता सर कोई। अब मैं जब मेरे पास ऐसी चप्पल नहीं थी तो मैं वो जो दूसरी वाली टाइप की चप्पल होती है, देखो यहाँ पे रखी है वो, ये वाली जो चप्पल होती है वैसी थी। तो मेरे को ये था, मेरे को ऐसी वाली चप्पल चाहिए। अब ऐसी वाली आने के बाद मुझे वैसी वाली चप्पल चाहिए। तो इंसान के पास जो नहीं होता है उसे वैसा चाहिए होता है। इंसान बहुत ही गंदा इंसान होता है। ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे पता है तुम लोग देख लोगे। कुछ खाने का ढूंढते हैं। लोगों का ऐसे व्लॉग करते हैं, लोगों का कितना एस्थेटिक होता है। मेरे पास ब्रेड है, ये वाले ब्रेड मेरे हैं, एंड मेरे पास स्ट्रॉबेरीज है, और मेरे पास मेयोनीज है। इनमें से मैं ब्रेड तो मैं खा खा के थक गई, मेरे पास केले भी हैं। ये पॉपकॉर्न भी मेरे हैं जो मैंने रात को बनाए थे, भूख लगी थी तो। और मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉपकॉर्न और है। बस ये वेजिटेबल सूप लेके आई थी मैं, बहुत ही गंदा होता है। टमाटो सूप कितना अच्छा होता है, ये वेजिटेबल सूप बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरे से नहीं पिया गया। एक तो मैंने ऐसे बनाया, फेंक दिया। बस कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी बना सकती हूँ मैं। बस नमक है, मेरे पास चीनी है, बस आलू भी है पीछे, जो कि आज हम आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने की सोच रहे हैं हम। नहीं मैं शिट, मैंने पानी गर्म किया था पीने के लिए, फिर वो ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने उसको रख दिया था कि बाद में पिएंगे, तो मैं भूल गई पीना। मेरी मेमोरी पानी पीना भी भूल जाती हूँ। अयो दिस इज माय पानी, मेरा पानी कुछ अलग नहीं दिखता है सबके जैसा। अभी भी गर्म है, मतलब पीने लायक। मेरे बाल ऐसे उजड़े उजड़े इसलिए हो रहे हैं, परसों रात को मैं ब्रेड्स करके सोई थी ताकि सुबह बाल कर्ली हो जाए। कल मैं खोल के चली गई कर्ली बाल दिखाने के लिए, और फिर वो उनका उजाड़ हो गया। ऐसा उजाड़ हुआ है कि इन्हें सुलझने में बहुत टाइम लगने वाला है। मैं बैठी क्यों हूँ, मैं इनको सुलझा क्यों नहीं देती हूँ। नहीं बाथरूम जाना है पहले, फिर मैं वैसे नोज़ पियर्सिंग कराना बड़ी बात नहीं है, नोज़ मतलब कहीं की भी पियर्सिंग कराना बड़ी बात नहीं है। वो वाला दर्द तुम एक बार में सह लोगे, उसके बाद जो तुम्हें
उसकी केयर करने का जो दर्द होता है, तुम उसकी केयर करे जा रहे हो करे जा रहे हो, सबसे गंदा है। इसकी केयर करने के लिए मुझे इसके लिए सॉल्ट वाटर यूज़ करना पड़ता है, इसकी वजह से मेरी स्किन इतनी गंदी हो गई है। इसके आसपास पूरी स्किन ड्राई हो गई है, कितना ही मॉइस्चराइज़र लगाओ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो मॉइस्चराइज़र 5 मिनट में गायब। मैं स्पेशली मॉइस्चराइज़र लेके आई खरीद के सिर्फ इसके लिए, मतलब ड्राई स्किन के लिए, इसके लिए नहीं। मुझे पता कितनी खुशी हो रही है नोज़ पियर्सिंग करा के, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि तेरी नाक पे ही होती है नोज़ पियर्सिंग, नोज़ पियर्सिंग तेरे फेस पे अच्छी लगेगी, सूट करेगी तेरे फेस पे, वो कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे थक गई हूँ मैं, अभी तो कुछ किया नहीं, अभी उठी हूँ और अभी मैं थक गई हूँ। क्यों लेटी हूँ मैं ऐसे? आई एम बैक इन अ नॉर्मल व्यू। मैं इतनी बातें किसी इंसान से सालों में भी नहीं करती हूँ जितनी मैं व्लॉग में कर लेती हूँ। मतलब मैं बहुत टाइम लगता है मुझे इंसानों के साथ कंफर्टेबल होने में, कि जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ वो लोग बोलते हैं भाई चुप हो जा, तू बहुत देर से बोले जा रही है, और जो मेरे को नए नए मिले होते हैं वो बोलते हैं भाई तू बोलती क्यों नहीं है। हाँ तो जो नए नए मिलते हैं वो बोलते हैं भाई बोल लिया कर कुछ, मेरे को नहीं आता है भाई दिमाग में कुछ, मेरा काला हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। जिनसे मैं बोलती हूँ उनसे मेरे को वो बोलने की, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तू कुछ बोल ले, मैं जैसे अभी कैमरा से कुछ कुछ बोले जा रही हूँ ऐसे ही मैं उनसे बोलती रहती हूँ। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट टेक्स टाइम मेरे को कंफर्टेबल होने में, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स दी, दैट्स दी, कुछ नहीं यार कुछ नहीं। ये वाली शर्ट मैं कहाँ से लाई, ये H&M से लाई हूँ, अच्छे से याद नहीं है बट हाँ H&M से लाई हूँ ये, और सेम ऐसे कलर में ग्रे में, कल मैंने वो ग्रे वाली फर्स्ट टाइम पहनी थी, क्या फील आ रही थी उसको पहन के, मेरे को लग्जरी लग्जरी फील आ रहा था। ग्रे कलर ऐसा लगता है ना कि वाओ पैसा है तुम्हारे पास, और ये वाला तो इतनी मेरे को इतनी पसंद है, मैं इतनी बार पहन चुकी हूँ कि बस मैं इसको उतारूँ ही ना, इतनी कंफर्टेबल है ये। मेरी लास्ट वीडियो की मेरी फ्रेंड ने तारीफ़ की कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी के लिए ही तो मैंने लिया है आईफोन, तो क्वालिटी अब तुम्हें अच्छी देखने को मिलेगी तो अब तुम सब्सक्राइब करो, बस मैं यही कहना चाहती थी। आई एम ऑल रेडी टू गो टू दी ऑडिशन। यार मेरी आँखें कितनी अच्छी लग रही है, मेरे को मेरी आँखों से प्यार हो गया बट मेरे हाथ जम रहे हैं, मैंने मम्मी का वीडियो कॉल भी इसीलिए काट दिया क्योंकि मेरे हाथ जम रहे हैं। इसका व्यू, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बस, इट वॉज सपोज टू कम एट 11:55 पर मैं कॉलेज में जाके बात करूँगी। यार मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, मैं जेब में रख लेती हूँ। मैं कॉलेज के पास पहुँचने वाली हूँ, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, क्या ही करके आऊँगी मैं सब कुछ स्नो में कवर्ड, लोग मेरे को ब्लॉक करते हुए देख रहे हैं बट अब मैं इतनी दूर अकेले आ गई हूँ। हाँ मैंने ये स्टेटस लगाया था इस रोड का कल,
तो मेरे को रिप्लाई आ रहा है कि रोड तो कनाडा में भी टूटी पड़ी है। अरे यार, जहाँ पानी जाएगा वहाँ रोड भी टूटेगी, यहाँ की रोड अलग थोड़ी बनती है। बट हाँ, आई नो यू गाइज वर किडिंग। कितना प्यारा सा घर है ये यार। भाई बहुत ठंड है, मेरे हाथ जम रहे हैं, हवा चल पड़ी है। जब मैं निकली थी तब हवा नहीं थी। कैसी हालत हो रखी है मेरी यार। एक तो मेरी नोज रिंग कितनी प्यारी है। चलो बाय, बाद में बात करूंगी। आई एम डन विद द ऑडिशन। ऑडिशन हो गया, 2 मिनट लगे। इससे ज़्यादा टाइम, जितना ऑडिशन का टाइम लगा उससे ज़्यादा टाइम तो मुझे किधर होना है वो ढूंढने में लग गया। तो हो गया, वो लोग मेरे को बता देंगे। एंड द पर्सन हु टुक माय वीडियो वाज रियली स्वीट एंड इट वाज गुड। आई डिडंट गेट टाइम टू लाइक रिकॉर्ड। मैं भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना कि ओ मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मैं रिकॉर्ड करूँगी। बाकी अब मैं वापस जा रही हूँ। सब कुछ स्नो में कवर्ड, इतना अच्छा दिख रहा है। बस स्नो नहीं अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अभी तो। अभी 1 डिग्री टेम्परेचर है और मुझे पता भी नहीं है कि आवाज़ आ रही होगी अच्छे से, नहीं आ रही होगी रोड से। मैं सुबह से इतनी बातें कर चुकी हूँ कि अब मेरे पास व्लॉग के लिए बातें ख़त्म हो गई है। बट मैं जा रही हूँ घर की तरफ। मैंने अभी लाइन 2 स्पडाइना पे उतर के, ये सारी बातें किसी को समझ नहीं आनी है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो नहीं बोलना चाहिए। इधर का मेट्रो ऐसा दिखता है जैसा अपना दिल्ली का मेट्रो दिखता है, वैसे दिखता है। बट दैट इज़ अ स्ट्रीट कार, जो नई चीज़ है। एंड दिस इज, मैं व्लॉग नहीं कर सकती। ये मेरे घर का एरिया और ये मेरी बिल्डिंग। मैं घर आ गई हूँ और मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। घर जाके बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सोचा बर्गर किंग से फ्राइज ले लेती हूँ, तब तक थोड़ा सा पेट भरेगा, फिर आराम से बनाऊँगी। तो आई एम गोना डू दैट बर्गर किंग में। और मैं सिर्फ इसलिए व्लॉग कर पा रही हूँ क्योंकि लोग कम है और लोगों को हिंदी नहीं आती है। आस पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसे हिंदी समझ आती हो। इट्स नाइस, इट्स नाइस। आ रही है ना आज, चली गई धूप, मतलब मेरी तरफ अब छाया आ गई। बट जो धूप है उसकी वजह से ठंड नहीं लग रही है, इतनी अच्छा लग रहा है। अरे हाय, कितना क्या क्वालिटी है यार। आई एम इन लव। फ्राइज ले आई हूँ, मीडियम फ्राइज का मतलब क्या होता है? मीडियम मतलब मीडियम साइज में, ऑब्वियसली साइज में। मैं कैसी पागलों वाली बातें करती हूँ यार। मैं कभी कुछ ऑर्डर नहीं करती थी इंडिया में भी, तो मुझे कुछ नहीं पता होता है। लोग मेरे से खाने का नाम पूछते हैं, अच्छा तूने ये खाया ये खाया, अच्छा ये खाएंगे ये खाएंगे, ये क्या होता है। मेरी रूममेट बहुत सारी रूममेट्स हैं मेरी, तो उनमें से एक दीदी मेरे को टॉर्टिला रैप बना के खिला रही थी। तो जिसमें वो मेरे से पूछती है, इसमें मैं तू हमस खाती है ना, कि वो क्या होता है। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता है। बिल्डिंग है, कैसी हालत हो गई है मेरे बालों की, जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहाई नहीं हूँ, नहाई नहीं हूँ, ठीक है। पर मेरे बाल कैसे उजाड़ हो गए। बट मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है। इधर मेरा लॉन्ड्री का सिस्टम है, इस साइड, ये जो जहाँ मेरी उंगली जा रही है मेरा दरवाज़ा लॉन्ड्री के लिए। मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, वो सेकंड पे, वो थर्ड पे, 7 सी में ही आएगी दोनों। मैं सबको बता रही थी मेरे बाथरूम की लाइट ख़राब हो गई है, मेरे बाथरूम की लाइट ठीक हो गई है। आऊँगी फिर मेरे अंदर थोड़ा खाना बनाने की थोड़ी शायद आ जाए शक्ति। और मैं दूसरी जॉब ढूंढ रही हूँ। काश किसी का फ़ोन आ जाए आज कि हम तुम्हें दो जॉब देना चाहते हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो। चलिए खाना बनाते हैं।
थैंक गॉड आटा तो गूंदा हुआ रखा है। मेरा ना व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को गाने सुनने का मन कर रहा है और व्लॉग करते टाइम मैं गाने नहीं सुन सकती हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ। अभी हमें चाहिए क्या चाहिए हमें? राहुल की किचन इतनी बड़ी थी ना, बस मेरे को उसकी किचन याद आती रहती है। राहुल भैया मिलने आ जाइए आप मेरे से, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी आओ यार मिलने, या फिर मैं आ जाती हूँ। बताओ कब मोमोज खिला रहे हो मुझे, मैं आ जाती हूँ। मैं यहाँ से ब्रैम्पटन आ रही हूँ, बस बोलो तो बुलाओ तो मुझे। लोग तो बुलाते ही नहीं है, कैसे लोग हैं, थोड़ी शर्म करो भैया, बुलाओ मुझे। मुझे पता है आप मेरे व्लॉग्स देखते हो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बस हो गई, बस आपसे इतनी बात करनी थी मैंने, अब मैं अपनी ऑडियंस से बात करूंगी। मैं बोल तो ऐसे रही हूँ, ये वाला व्लॉग उन्होंने ना ही देखा तो कोई फायदा नहीं होगा मेरा ये बोलने का। क्या हो सकता है उससे, कुछ नहीं हो सकता। मैं आलू छील रही हूँ। मैं गाने वैसे चला सकती हूँ लैपटॉप में, बट फिर क्या ही फायदा, कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी कुछ कंट्रीज में। पहले मेरी ऑडियंस कम है, जो एक दो बनने वाली है वो और नहीं देख पाएंगी, है ना। तो उसका कोई फायदा है, इससे बढ़िया मैं चुपचाप बातें करूं तुमसे। पर ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा होएगा मेरे को लग रहा है, 20-30 मिनट का, क्योंकि इसमें मैं इतनी सारी बातें कर चुकी हूँ सुबह से। बस मुझे देखना पड़ेगा किस क्लिप में अच्छी आवाज़ आ भी रही है, सुनाई देने लायक, तो वो वाली क्लिप्स मैं ऐड करूँगी, बाकी हटा दूँगी। मैं आलू धो चुकी हूँ। ओके मैं अपडेट करती रहूँगी क्योंकि मैं इसको ऐसी जगह नहीं रख सकती हूँ कि जहाँ से तुम लोग मुझे देख सको, साथ में मेरी कुकिंग भी देख सको, इसलिए अपडेट करना इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। ये हमारा छावना है जिससे हम हाथ पूछ लेते हैं, और मुझे इसे धो लेना चाहिए, रोज़ रोज़ इसी से हाथ पूछ लेती हूँ और धोती नहीं हूँ इसको। अभी तुम्हें मैं यहाँ रख के देखती हूँ, यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। हाँ रखूँ मैं तुम्हें, मैं व्लॉग कर रही हूँ। भाई और बहनों बहुत ठंड हो गई है, मैं तो नाक यूँ टप के जा रहा है, मैं थक गई हूँ पूछ पूछ के। अभी मैं कुछ दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तेल डाल रही हूँ इसमें, ओके, क्योंकि एक हाथ से मैं फ़ोन नहीं कर सकती, ये मैं ज़रूर दिखा सकती हूँ। ये प्याज भुन गए थे, मसाला मसूला डल गया है। यार मेरे पास टमाटर नहीं है जिसके लिए मुझे पता नहीं है कैसी बनेगी बिना टमाटर के। पानी पुनी डाल दिया है और मैं डालूँगी आलू एंड देन शिमला मिर्च, नहीं सब कुछ डाल दिया है। अभी हमने इसे उबलने देना है, ठीक है। हमने ये मसाले यूज़ किए हुए हैं, मैं कुकिंग क्लास क्यों कर रही हूँ, उसको ढकने के लिए ढक्कन चाहिए। जो कि है नहीं तो मैं सोच रही हूँ इसको ढक देते हैं। ओ ढक्कन तो उधर।